लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑफ एक्सरसाइज थ्री ए दैट इज लीन क्वेश्चन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें ये शो करने हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं वो ग्राफिकली इनफाइनाइट इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ लिखेंगे x और y की वैल्यूज़ अब आप देखें कि सिक्स थ्री से भी डिवाइड होता है टू से भी तो अगर हम y जीरो रखते हैं तो x ईज़िली निकल सकता है और x ज़ीरो रखते हैं तो y ईजिली निकल सकता है तो हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू ज़ीरो तो यह आया टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स तो थ्री वाई कितना आ गया सिक्स तो वाई कितना आ गया सिक्स अपॉन थ्री दैट इज टू तो अगर एक्स ज़ीरो है तो वाई है टू इसी तरीके से वाई ज़ीरो रखेंगे हम तो पुटिंग वाई इक्वल्स टू ज़ीरो तो ये कितना आया टू एक्स प्लस सिक्स तो ये आ गया टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स तो एक्स आ गया हमारा सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री तो अगर वाई जीरो है तो एक्स है थ्री अब हमने कहा पुटिंग वाई इक्वल्स टू वन तो ये आया टू एक्स प्लस थ्री इंटू वन इक्वल्स टू सिक्स तो ये आ गया टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स तो टू एक्स तो कितना आ गया सिक्स माइनस थ्री तो टू एक्स आ गया थ्री के इक्वल एक्स आ गया हमारा थ्री अपॉन टू दैट इज वन पॉइंट फाइव तो वाई वन है तो एक्स है वन पॉइंट फाइव अब नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व अब यहाँ x और y की वैल्यूज रखेंगे और ये देखिए 12 हमारा सिक्स से भी डिवाइड होता है और फोर से भी तो इसका मतलब अगर हम y ज़ीरो रखें तो x की वैल्यू इजली निकाल सकते हैं और x जीरो रखें तो y की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं तो हमने रखा पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो तो फोर इंटू ज़ीरो प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व तो सिक्स वाई कितना हो गया ट्वेल्व तो y कितना आ गया ट्वेल्व अपॉन सिक्स दैट इज टू राइट अब इसी तरीके से हमने y को जीरो माना वोटिंग यहाँ पे लिख दीजिए x जीरो था तो y टू आया पुटिंग y इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया फोर एक्स प्लस सिक्स इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ट्वेल्व तो फोर एक्स ट्वेल्व की इक्वल आ गया तो x किसके इक्वल आ गया ट्वेल्व अपॉन फोर के दैट इज थ्री तो अगर y जीरो है तो x है थ्री और नेक्स्ट देखिए हमने y की वैल्यू वन रख ली पुटिंग y इक्वल्स टू वन तो ये कितना आया फोर एक्स प्लस सिक्स इन टू वन इक्वल्स टू ट्वेल्व तो ये आया फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व तो फोर एक्स क्या आया ट्वेल्व माइनस सिक्स फोर एक्स सिक्स के इक्वल आया तो एक्स आ गया हमें हमारा सिक्स फोर फोर तो टू टू थ्री अपॉइन टू का हो या वन अपॉइंट फाइव का हो बात एक ही है तो वाई वन है तो एक्स है वन पॉइंट फाइव चलिए ग्राफ करते हैं देखिए ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड और ये हैं फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स और ये हैं इक्वेशन सेकंड के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम आए हैं राइट तो अब देखिए प्लॉट करते हैं एक्स जीरो है तो वाई टू है एक्स जीरो है तो वाई टू है, है ये वाला पॉइंट आ गया तो हमने इसको मार्क कर लिया एक्स ज़ीरो है तो वाई टू है नेक्स्ट कह रहा है वाई ज़ीरो है तो एक्स थ्री है वाई ज़ीरो है तो एक्स थ्री है ये वाला पॉइंट आ गया तो हमने इसको भी मार्क कर लिया थ्री एन जीरो नेक्स्ट कह रहा है वाई वन है तो x वन पॉइंट फाइव है वाई वन है तो x वन पॉइंट फाइव है ये वाला आ गया पॉइंट तो हमने इसको मार्क कर लिया व, x वन पॉइंट फाइव है तो वाई वन है सेम पॉइंट्स ही उसके थे तो इसका मतलब एक ही लाइन ड्रॉ होगी अगर आप देखें तो दोनों के पॉइंट्स सेम है तो एक ही लाइन ड्रॉ होगी तो अगर आपने मेरा इंट्रो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जब भी एक लाइन होती है तो दैट मींस उन दोनों इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इसका मतलब कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाए कर रहे हैं लाइक ये वाला पॉइंट अगर आप ये पॉइंट लें और इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी जैसे कि ये पॉइंट है जीरो टू या ये है एक्स माइनस वन आ रहा है और वाई टू पॉइंट फाइव आ रहा है अगर आप वाई की वैल्यू टू पॉइंट फाइव और एक्स माइनस वन रखेंगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आंसर